गुड मॉर्निंग एवरीवन, आओ मैप सेट कर लिए। सलाम, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालदा। अभी टाइम हो रहा है 5:53। एज यूजुअली हम लोग फिर से लेट हो गए हैं आधा घंटे के आसपास। अभी हम लोग निकले हैं डुअर्स के लिए। यहाँ से हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है 330 किलोमीटर के आसपास है। 7 घंटा एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है। तो ये अभी हम आ गए हैं मालदा मोड़। यहाँ से ले लेंगे राइट। ये देखिए सुबह का बाजार। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मालदा ब्रिज। ये है नीचे से बह जा रहा है महानंदा रिवर शायद। थोड़ा सा फॉग है अभी भी और वेदर अभी तक ठंडा है। और पहले दिन जब हम आए थे तब मेरे गाड़ी में हीरो का इंजन ऑयल डाला हुआ था। थोड़ा वाइब्रेशन और हीट एक्स्ट्रा आ रहा था। और अब जो है मैंने मोतुल डाल लिया है। तो देखते हैं अभी दोनों ऑयल में चेंजेस क्या है। तो ये हम अभी आ गए हैं हाईवे पे। वो रास्ता चला जाता है फराक्का की तरफ और ये रास्ता NH 34 होके लेफ्ट साइड में चला जाता है रायगंज की तरफ। रायगंज का डिस्टेंस यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है। जब तक धूप नहीं निकलता है वेदर थोड़ा ठंडा रहेगा, फिर उसके बाद धूप निकल आने से मुश्किल हो जाता है। तो ये हम पकड़ लिए अभी NH 34। ये रास्ता अभी सीधा चलेगा बहुत दूर तक। ट्रिप नहीं सेट किए, हाँ ट्रिप को ज़ीरो कर दिए। और पहला दिन का हम लोगों का राइड था 366 किलोमीटर दिखा रहा है और 8 घंटा लगा। बाकी 2 घंटा हम लोगों का स्टॉप और खाना में गया। और आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। 7 घंटा तो गूगल बाबा जी बोल रहा है। तो ये आ गया आज का पहला टोल, फराक्का रायगंज टोल शायद। हाँ फराक्का रायगंज हाईवे। ये देखिए पूरा ट्रक का लोड। तो सुबह के टाइम में सब ट्रक्स और बसेस निकलता है। बसेस जो है शायद सिलीगुड़ी तक जाएगा। वेदर लगता है थोड़ा क्लाउडी रहेगा क्योंकि ये देखिए सूरज डूबता और फिर से बादल के पीछे चला गया है। तो फिर से वही जोश और फिर से वही एक्साइटमेंट। ये कुछ ऐसा व्यू है, थोड़ा सा फॉग है। मेन जो राइड है वो आज शुरू हुआ है। फिर से हम लोग आज पहाड़ के ऊपर जाएंगे और एक हिडन और एक अननोन जगह पे जाएंगे, जैसे मोंगपू में गए थे। तो मोंगपू का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा अब तक तो जाके देख सकते हैं। वो मेरा पहला मोटो व्लॉगिंग है। उतना अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन जितना भी हो सके, जैसे कि मैं बोला कि वो मेरा पहला मोटो व्लॉगिंग है तो मेरे लिए तो स्पेशल ही है। तो जाके देख सकते हैं आप लोग। एक अननोन और एक अनकॉमन जगह में गए थे हम लोग, जो कि एक 150 साल पुराना बांग्लो है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। आप लोग देख सकते हैं जाके, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और गाड़ी में तो मोतुल ढलने के बाद गाड़ी में नया जान आ गया। अब देखते हैं दोपहर के टाइम में कितना हीटिंग देता है। जिस दिन मैं कोलकाता से आ रहा था तब इंजन इतना हीट हो गया था, तो मेरे राइट लेग पे जो इंजन का हवा हीट कर रहा था वो बहुत ही हॉट था। मेरे को तो एक दो बार लगा कि मेरा वो जगह जल ही जाएगा, इतना हीट था इंजन। आज आई होप उतना नहीं रहेगा क्योंकि मैंने मोतुल इससे पहले भी राइड में यूज़ किया है। मोतुल का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम रहता है और हीटिंग भी उतना नहीं रहता है। लोअर गियर्स में एक अलग सा पुश देता है। तो आई होप सब कुछ अच्छा जाए, राइड अच्छा जाए, हम लोग टाइम से पहुँच जाए। तो हम लोग डुअर्स के अंदर जाएंगे, मतलब रोंगो, और उसके पहले का 20-30 किलोमीटर पूरा जंगल के अंदर से है। तो मेरा जीजा जी मेरे को बार बार यही बोले हैं कि वो रास्ता शाम से पहले कवर करने के लिए। उस जगह पे शायद टावर नहीं रहेंगे, उसी हिसाब से हम लोगों को जाना होगा। वो जो 20-30 किलोमीटर है वो जगह
लाइट रहते रहते कवर करना होगा। तो हम लोग अभी रायगंज क्रॉस किए, ये सामने देखिए जा रहा है, ये सब हाईवे का विलेन स्टेट बस जो किसी को नहीं मानता है। सामने अगर इनका बाइक है, इनका बस चले तो ये चरा ही दे, ऐसे स्पीड से आके हॉर्न मारता है ना, बाप रे बाप, पूरा डर जाता है। अगर ये आपके पीछे से आ रहे हैं और आप अगर नोटिस नहीं किए इनको और साइड नहीं दिए, तो पीछे से एकदम स्पीड में आके ऐसे हॉर्न मारेगा ना, मेरा तो एक दो तीन बार डर ही लग गया था कि क्या रे भाई इतना क्या जल्दी। तो ये बस के वजह से रायगंज मोड़ में थोड़ा जैम लग गया था, क्योंकि ये पैसेंजर उठा रहे थे और पैसेंजर को ड्रॉप कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे कुछ शायद एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो कुछ जैम लगा है। अरे भाई तुम कहाँ जाओगे, पूरा जैम कर दिया, निकल जाता अच्छे से, इनको भी यही घुसाना है। अब रास्ता भी नहीं देख पा रहा है और ये धूल मिट्टी, अरे भाई जगा दे दो, तुम कहाँ जाओगे यहाँ से। हाँ बहुत बढ़िया, और हम लोगों के पास तो एक्सपल्स है, हम लोग निकल जाएंगे। हाँ चलो, शायद चेकिंग वेकिंग कुछ हो रहा है, क्योंकि जो लॉरी फॉरी जो रहता है ना, ये सब बहुत सारा इलीगल काम करता है, तो जगह जगह में चेकिंग अभी भी हो रहा है, ये अच्छा बात है। तो मेरा पहला वाला वीडियो कोलकाता से मालदा तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वैसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को मेन मोटिवेशन देता है। जैसे देखिए आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट के वजह से ही एक हफ्ते का छुट्टी मिला था, तो इस गर्मी में भी मैं निकल पड़ा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट के वजह से ही मैं जो भी हूँ। अभी हम लोग 80 किलोमीटर क्रॉस कर लिए, अभी थोड़ा सा धूप आ रहा है यहाँ पे, हम अभी खड़े हैं इस ब्रिज में, और वो जो नदी जा रहा है वो नागरी रिवर है शायद, और यहाँ पे देखिए पूरा गन्ने का खेत है शायद ये, और यहाँ पे हमारा बाइक खड़ा है, यहाँ पे है मेरा भैया, और ये है रास्ता। बस अभी 80 किलोमीटर आए, अभी पहला ब्रेक ले लिए तो थोड़ा पानी पी लेंगे, फिर उसके बाद फिर से निकल पड़ते हैं। और दूर में जो लग रहा है कि वेदर अच्छा है और हम लोगों को अच्छा वेदर मिलने वाला है, ये तो अभी होप करते हैं, तो अभी देखते क्या होता है। तो ये अभी कुछ ऐसा है हाल, और ये रील भी बना लिए, तो आप लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते। मैं इंस्टाग्राम उतना तो यूज़ नहीं करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे उसमें भी फ़ोटो और वीडियो डालते रहेंगे। ये है हमारा बाइक, और पहले दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे रहा है इंजन ऑयल चेंज करने के बाद। हीरो का इंजन ऑयल तो पूरा बेकार है, क्या बोले उसके बारे में, करिए बस। अभी तक सब ठीक है, और बाकी का रास्ता भी ठीक से हो जाए, आई होप कि हो भी जाएगा। और अभी हम लोगों का जो रास्ता रहेगा वो बोतलबाड़ी होके, पहले तो सोच रहे थे कि बोतलबाड़ी होके ना जाए, तो पहला दो बार जो हम राइड किए तो डालगोला होके गए, थोड़ा जैम रहता है और थोड़ा रास्ता भी ख़राब रहता है। तो आज टाइम है तो आज बोतलबाड़ी वाला रोड भी एक्सप्लोर कर लेते कि देखते कैसा है वो रोड। थोड़ा सा कम है रास्ता, लेकिन रास्ता सुने कि उतना अच्छा भी रही है, तो अभी तो है सिर्फ हम दो ही, तो कोई चिंता का कोई बात नहीं है। तो चलिए वो रास्ते से ही पूरा रास्ता अभी वो डालखोला को बाईपास करके निकल जाते हैं। तो नागड़ा ब्रिज जो है जहाँ पे रुके थे हम लोग,
वहाँ से शायद 3-4 किलोमीटर आने के बाद आपको दो रास्ता मिलेगा। एक है सीधा रास्ता हाईवे जो चले जाएगा किशनगंज डालखोला की तरफ, राइट साइड में आप लोगों को ये बोतलबाड़ी का रास्ता मिलेगा। रात को जाना ये रास्ते से थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता भी उतना ठीक नहीं है और ये पूरा विलेज एरिया से जा रहा है, तो ये सब में रिस्क हो सकता है। तो मैं जो दोनों बार सिलीगुड़ी गया हूँ वो मेन रोड से ही गए हैं हम, वो जो सीधा रास्ता चला गया NH वो NH से ही। इस बार हम क्यों ये वाला रूट चॉइस किए, नंबर वन अभी तो सोलो है, देखिए देखिए देखिए, और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर तो करने का मन सभी को करता है, तो सोचे कि एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि हाईवे से जाने में किलोमीटर भी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 25 या 30 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता आपको शॉर्ट कट देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्टकट का काम उतना अच्छा नहीं होता, तो वैसे ही ये रास्ता भी उतना ठीक नहीं है, और सामने ये ट्रक जा रहा है जगह ही नहीं दे रहा है, भाई साहब जाने दो थोड़ा। तो हाईवे में जाने से थोड़ा सा बोर लगता है, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बज रहा है 8:12 और हम जो स्पीड मेंटेन करते हुए आए उस हिसाब से गूगल मैप मेरा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 5:13, तो क्यों ना सोचे एक बार ये वाला रूट ही ट्राई कर लेते हैं। और गूगल मैप का जो टाइमिंग दिखाता है, मतलब आप लोग अगर कोलकाता या मालदा से अगर सिलीगुड़ी का लोकेशन के लिए कभी भी मैप सेट कर रहे हो तो आपको ये बोतलबाड़ी वाला रूट ही दिखाएगा, जो किलोमीटर और जो टाइमिंग दिखाएगा आपको वो ये रास्ता का ही हिसाब से दिखाएगा, क्योंकि ये वाला रास्ता गूगल मैप शॉर्टकट के हिसाब से दिखाता है। तो मान लीजिए अगर आप लोग कोलकाता से आ रहे हैं और भाई साहब, और आप लोग सिलीगुड़ी के लिए लोकेशन सेट किए, तो आपको शायद 550 से 600 के आसपास कुछ किलोमीटर दिखाएगा, और वो ये रास्ता का हिसाब से ही दिखाएगा। तो अगर आप लोग मालदा क्रॉस करके ये रास्ता तक पहुँचते शाम हो जाता है, तो आप लोग शायद ये रोड अवॉइड कर दीजिएगा और हाईवे से ही जाइएगा। हाईवे का रास्ता एकदम बढ़िया है, एकदम से आप 85-90 का स्पीड मेंटेन कर पाओगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं कि 3-3:30 तक, या फिर आप लोग मालदा या रायगंज से स्टार्टिंग कर रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए, तब ये रूट पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये रूट का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। ये सुबह का टाइम ही ये रास्ता क्रॉस करने के लिए अच्छा है, शाम या रात को एकदम भी ये रोड रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन मेरे को ये ट्रक को ओवरटेक करना होगा, सामने वाला तो है ही और ये वाला भी, दोनों मिल के धूल उड़ाते उड़ाते जा रहा है, तो वो ट्रक को ओवरटेक करके आगे आ गए हम। ये सब ट्रक्स ही थोड़ा बदमाशी कर रहा है ये रास्ते में, मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। ये देखिए रास्ता, यहाँ पे पूरा रेत है, थोड़ा देख के जाना होगा। अरे भाई साहब, ये हाईवे, ये जो अभी आए हम आज, ये हाईवे इतना अच्छा कर दिया है कि मैं ये सब ऑफ रोडिंग मिस कर रहा था। ओ भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है देखिए, और ये देखिए खेत, देखिए इस साइड में पूरा खेत है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी तो इस रास्ते में ही मज़ा आ रहा है हाईवे से ज़्यादा, हाईवे ने तो बोर कर दिया था। हाँ, ये सभी तो मज़ा है। एक्सपल्स को हाईवे में भगा के उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा ये सब थोड़ा सा ब्रोकन रोड्स पे है। ये रास्ता का व्यू भी अच्छा है, ये सुंदर सा खेत, सुंदर सा व्यू। लगता है कि अच्छा वाला रास्ता मिल गया है,
तो वो रास्ता भी उतना भी ख़राब नहीं था, लेकिन वो मुर्गा वाला रास्ता से बहुत बढ़िया था। वो रास्ता आपको सीधा आना होगा वो रास्ता से, फिर आपको एक मोड़ मिलेगा जहाँ से लेफ्ट की तरफ चला जाता है कांदी, राइट की तरफ चला जाता है सिलीगुड़ी। तो राइट वाला रास्ता पकड़ने से आपको ये वाला रोड मिल जाएगा और फिर से आप लोग एक अच्छा स्पीड मेंटेन कर पाओगे। तो ये देखिए, इस साइड में खेत है पूरा, ये देखिए रास्ता, अभी बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रास्ता। अभी पेट्रोल पंप भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको ये रास्ते पे। ये देखिए बगला डांगी बाजार, बाप रे बाप। तो गूगल मैप से तो दिखा रहा था वो वाला रास्ता, लेकिन वो वाला रास्ते पे काम चल रहा है, तो अभी लोकल बोले कि यहाँ से जाने के लिए फिर हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। अब कहाँ घुसा दिए। अच्छा हाँ, ठीक ही बोले हैं। तो अभी हमको जाना होगा राइट साइड पे, कहाँ से जाए वहाँ से। कर गए सिलीगुड़ी और वेदर एकदम बढ़िया है, और इस साइड में अभी वो टी गार्डन चालू हो गया है और चाय पत्ती की जो खुशबू वो आने लगा है। ये देखिए इस साइड में पूरा टी गार्डन। तो अभी हम लोग टी गार्डन के अंदर में आए थोड़ा, तो जब मैं यहाँ से जाता हूँ तब लगता है कि एक बार घूम के जाऊँ। तो ये देखिए पानी है यहाँ पे, तो टाइम हो रहा है अभी 11:10 और हम लोग अभी टी गार्डन के अंदर में आ गए हैं। ये देखिए रास्ता, वो वहाँ से जा रहा है हाईवे और वो रास्ता सीधा आ रहा है ये टी गार्डन के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे पानी दे रहा है पूरा ये गार्डन में। तो मैं जब पहला बार आया था तभी मेरा मन था कि टी गार्डन के अंदर में जाके थोड़ा फ़ोटो खींचना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। तो अभी तो है सोलो, चांस मिला, टाइम भी है बहुत, तो थोड़ा अंदर में आ गए। कुछ ऐसा है गार्डन, वेदर अभी तो ठीक है तो इसलिए टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा अंदर में जाके दिखाते हैं। ये देखिए पूरा गार्डन है और ये पूरा पानी चल रहा है। ये अभी थोड़ा फोर्स बढ़ जाएगा तब मेरे को निकलना होगा, नहीं तो पूरा यहाँ तक पानी आता है। और ये देखिए ज़्यादा अंदर में नहीं जाएंगे, पता नहीं अंदर में क्या हो। और वहाँ पे खड़ा है बाइक, आप लोगों को थोड़ा नज़दीक जाके दिखाते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा फोटो शोटो खींचने के लिए यहाँ पे रखे हैं। और ये पूरा गार्डन, तो जो ले आया है यहाँ पे तो उसको तो अंदर लेके आना ही था ना। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर इसको रोड पे लेके जाएंगे और हम भी थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। तो कुछ देर यहाँ पे रहते 10-15 मिनट, फिर यहाँ से निकल चलते। अभी डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं रहा, 110 या 120 किलोमीटर के आसपास ही है, और 3 या 3.5 घंटा तो गूगल मैप दिखा रहा है। तो अगर खाने के लिए भी रुक जाए तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा है, तो मतलब 4-4.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, ये तो हिसाब बोलता है। तो अभी यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं,
पाँच दस मिनट या 15 मिनट थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं और थोड़ा पानी वानी पी के फिर चलते हैं। और ये देख लीजिए आप लोग, ये कुछ ऐसा व्यू है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट लग गया, मतलब लग गया मतलब हम लोग स्पेंड किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये जो स्मेल है चाय पत्ती का ये बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आज वेदर भी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, मतलब उतना गर्मी नहीं है। टी गार्डन के अंदर का जो रास्ता है जाने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मतलब जब कभी भी ये रास्ता क्रॉस किए तभी मैं सोचता था कि एक बार अंदर जाके फ़ोटो खींचना है और अंदर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तो आज हो पाया वो। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, इस साइड में जितना दूर दिखाई दे रहा है उतना दूर ही टी गार्डन, और इस साइड में भी जितना दूर दिखाई दे रहा है पूरा टी गार्डन। तो अभी हो गया है 11:52, अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि 40 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे, लेकिन अच्छा भी लगा, फ़ोटोज़ जो लिए वो बहुत बढ़िया आया। तो अगर आप लोग वो फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को, नहीं तो PTT अनिक करके सर्च करने से आप लोगों को मिल जाएगा मेरा आईडी। ये कुछ है रास्ता, और उस साइड में भी देखिए टी गार्डन है, और ये है हाईवे, जस्ट कुछ ही दूर गए थे। ये देखिए पूरा गार्डन, उसके पीछे भी कुछ है। तो यहाँ से सिलीगुड़ी अभी 40 किलोमीटर के आसपास है, और हम लोग सिलीगुड़ी नहीं जाएंगे, हम लोग उससे आगे से फुलवाड़ी बाईपास रोड ले लेंगे, फिर वहाँ से फुलवाड़ी का रास्ता पकड़ के अंदर जाएंगे। तो वो रास्ता मेरे लिए पूरा नया है। तो यहाँ से शायद हम लोगों को राइट ले लेना होगा, ये लेफ्ट को चला जाता है बागडोगरा, सीधा फुलवाड़ी जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी जाने के लिए ये रास्ता जाता है, और ये रास्ता हम लोग अभी निकल गए हैं छोड़ के। सिलीगुड़ी जाने के लिए वो रास्ता, नीचे वाला जो रास्ता है बागडोगरा वाला जो रास्ता है वही रास्ता सिलीगुड़ी चला जाता है। अगर आप लोग सिलीगुड़ी होके डुअर्स जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सिलीगुड़ी होके सेवक कोरोनेशन ब्रिज, फिर आप लोग डुअर्स के साइड एंटर कर सकते हैं। तो डुअर्स जाने के लिए दो रास्ता है, एक है ये फुलवाड़ी बाईपास होके फुलवाड़ी होके, और एक है आप सिलीगुड़ी सेवक कोरोनेशन ब्रिज होके भी। दोनों ही रास्ता ठीक है, लेकिन अभी गूगल मैप ये रास्ता दिखा है तो हम लोग ये रास्ता ही फॉलो कर रहे हैं। अभी सेवक के बाद जब हिल शुरू होता है तब थोड़ा जैम लगा रहता है कुछ कुछ टाइम पे, और वो रास्ता भी ठीक नहीं है तो हम वो वाला रास्ता नहीं पकड़े, और सिलीगुड़ी भी नहीं एंटर किए क्योंकि सिलीगुड़ी में भी थोड़ा टाउन के अंदर जाम रहता है। तो ये है महानंदा बैरेज, एक छोटा सा बैरेज, और नीचे से महानंदा नदी। इस साइड में पूरा सूखा है और इस साइड में पूरा भरा है, यही पानी ये लोग इस साइड में छोड़ता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये हम अभी पहुंच गए फुलवाड़ी, और फुलवाड़ी से शायद राइट टर्न लेना होगा। तो गुवाहाटी वाला ये रास्ता पकड़ लिया अभी, तो हाईवे छोड़ के अभी हम उदलावाड़ी का रास्ता पकड़ लिए। यहाँ से गाजोलडोबा होके उगलावाड़ी, फिर उगलावाड़ी होके मालबाजार, मालबाजार होके डुअर्स, अभी तक तो ऐसा ही है। अभी रास्ता ठीक है, वेदर भी ठीक है, उतना हीट भी नहीं है। तो अभी इस मोड़ से सीधा चला जाता है सिलीगुड़ी, और उस साइड में चला जाता है फुलवाड़ी, और
ये वाला रोड अभी हम पकड़ लिए है गाजलडोबा वाला, और ये शायद तीस्ता कैनाल है, यही वाला रास्ता पकड़ के अभी चलना होगा। गाजलडोबा यहाँ से 22 किलोमीटर है, और गाजलडोबा में एक फेमस बैरेज है, वो बैरेज के पानी में बोटिंग होता है और पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत अच्छा प्लेस है। तो अभी से ही फॉरेस्ट मिलना चालू हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा फॉरेस्ट है और ये भी फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ से लाटागुड़ी गाजलडोबा सीधा, गाजलडोबा 10 किलोमीटर और लाटागुड़ी है 36 किलोमीटर। तो तीस्ता कैनाल के साथ ही हम चल रहे हैं, अभी भी 10 किलोमीटर है गाजलडोबा, गाजलडोबा के बाद ओखलाबाड़ी रोड। व्यू देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छे से यह साइड पे रेलिंग दे दिया है, और यहाँ से माल बाजार दिखा रहा है 20 किलोमीटर। यहाँ शायद ब्रिज का कुछ काम चल रहा है तो घुमा दे रहा है, इसलिए पता नहीं ये बैरेज का है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पता नहीं, लेकिन कुछ तो बन रहा है। फिर से ये रास्ता पकड़ लिए, तो ये आ गया गाजलडोबा, एक बहुत ही फेमस बैरेज है। ये देखिए तीस्ता बैरेज, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग चल रहा है। और इसमें भी बहुत सारा गेट है, जैसे कि ये हो गया 37, 38, 43, 45 गेट्स है इसका, और टाइम हो रहा है अभी 1, और अभी हम लोगों को 2 घंटे का राइड करना है, 70 किलोमीटर के आसपास अभी बाकी है। ये गाजलडोबा क्रॉस करने के बाद हमको ओदलाबाड़ी का रास्ता पकड़ना होगा। यहाँ से ओदलाबाड़ी दिखा रहा है लेफ्ट, और लाटागुड़ी दिखा रहा है 24, और लाटागुड़ी चला जाते हैं सीधा 46 किलोमीटर। तो हमको ओदलाबाड़ी की तरफ जाना है इस साइड पे। तो अभी हमें माल बाजार, यहाँ से शायद लिफ्ट लेना है। तो अभी लंच ब्रेक के लिए रुके हैं, ये होटल का रूफटॉप है, गाड़ी वहाँ पार्क कर दिए और ऊपर में चले आए। बहुत अच्छा वेदर है अभी, थोड़ा हवा चल रहा है और खाना भी आ गया है। तो हम लोग ऑर्डर किए हैं मोमो और चाऊ, तो मोमो रेडी हो गया, चाऊ आ रहा है। तो अभी हमें चालसा से चापरामारी शायद 25 या 30 किलोमीटर के आसपास, फिर उसके बाद रोंगो हम लोग जहाँ पे रुकेंगे आज। तो अभी 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, कुछ ही देर बाद पूरा जंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जंगल ही मेरे को लाइट रहते रहते क्रॉस करना था, क्योंकि ये जंगल में एलिफेंट्स और बाइसन्स इधर उधर मतलब निकलते रहते, और रात को ये एरिया भी पहचान के जाना उतना आसान नहीं होगा। तो बस यही है अपडेट अब तक का, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ये आप लोग व्यू एंजॉय करिए, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो लंच करने के बाद हम अभी पहुंच गए हैं चंपामारी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता सीधा चला जाता है गुवाहाटी की तरफ। तो अभी हम लोगों को खुनिया मोड़ जाना है ये क्रॉस करके, और खुनिया मोड़ से लेना होगा फिर लेफ्ट। और ये जो फॉरेस्ट है इसमें हाथी, बाइसन और पीकॉक्स रहते हैं, और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हाथी देखने को मिले। तो मेरा जीजा जी बार बार बोल दिए कि अगर कुछ दिखाई दिया तो गाड़ी सीधा घुमा के
भाग जाने के लिए। और ये देखिए कुछ रास्ता ऐसा है सेवॉक की तरह, दो साइड में पूरा जंगल और बीच में से एक बढ़िया रास्ता। तो रोंगो हम अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, यहाँ से 32 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। लाटागुड़ी मूर्ति राइट साइड पे और बिंदु झालांग हाँ लेफ्ट साइड में। तो हम अभी पकड़ लिए है बिंदु का रास्ता, चंपामारी कुमानी झालांग बिंदु। वाव ओ भाई साहब वाव वाव, देखिए ब्यूटी। तो वेलकम टू डुआर्स, वेलकम टू चंपामारी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। ये देखिए मोर, तो रास्ता देखिए आप लोग, बढ़िया रास्ता एकदम, मतलब बाइक राइड्स के लिए एकदम परफेक्ट। तो वहाँ पे बोर्ड दिखाई दिया कि एनिमल क्रॉसिंग जोन और एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी एनिमल्स का पाला पड़े हमसे। और मोर देखना था मेरे को और मोर दिखाई दे दिया। यहाँ से हमें शायद राइट लेना होगा। हाँ बिंदु झालांग रोंगो 19 किलोमीटर ठीक है। तो अभी भी पूरा फॉरेस्ट के अंदर से रोड है और धीरे धीरे चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। और भी अगर कुछ मोड़ दिख जाए तो बढ़िया है, लेकिन उतना भी लकी नहीं हूँ मैं कि एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर तीन और मोड़ मिल जाए। तो बस ऐसे ही रास्ता है, चलिए रास्ता एंजॉय करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं अचानक से गाड़ी में आ गई, गाड़ी में कैसे आए बात कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में मेरा जलेबी से निकली है। आप लोग देखिए सामने में टाइम हो रहा है 4:30। हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेरे जीजा जी का बांग्लो। ये पीछे देखिए, ये भी 80 साल पुराना है। तो अगर हो पाए तो इसका भी छोटा सा एक वीडियो दे देंगे। वो नीचे से जा रहे हैं जलढका नदी और उसके उस पार है भूटान। उस साइड पे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो भूटान का है और इस साइड वाला इंडिया का है। ये फॉग अगर थोड़ा क्लियर होता है तो दिखाएंगे आप लोगों को, और लगता तो है आज ये फॉग नहीं क्लियर होंगे। ये एक बैठने का जगह है, ये हमारा बाइक पार्क है, ये कुछ व्यू है, ऐसा कुछ है गार्डन। आज का जर्नी ठीक ही था, मेरे जीजा जी रास्ते में मिल गए तो हम उसके गाड़ी में चले आए। लास्ट का जो 3-4 किलोमीटर रास्ता था वो बहुत ही अच्छा था, तो जीजा जी के गाड़ी में ही आ गए। अभी बस फ्रेश होंगे और थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, कल से थोड़ा घूमने निकलेंगे तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। अगर हो पाता है तो बांग्लो का भी एक अच्छा सा वीडियो करके आप लोगों के सामने मैं लाने के लिए कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और भी बहुत सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है तो वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि और नया नया जगह आप लोगों के सामने मैं पेश कर पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चंपा का सुधा।